नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध के साथ साथ विकसित भी बनाना है। वहीं बिहार को आगे ले जाने के लिए मुझे अपना खून पसीना देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सम्राट ने चुनौती देते हुए कहा कि बिहार को अब लूटने नहीं दूंगा, सबका हिसाब होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव ग्रुप की ओर से शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित समृद्ध बिहार विषय पर आयोजित परिचर्चा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। और वहीं आपको बता दें, सम्राट चौधरी हमेशा योगी मॉडल में अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2G, 3G और 4G वाले देश को लूटने का काम कर रहे हैं। 4G वाले कांग्रेस वाले हैं, जबकि 2G वाले RJD वाले हैं। वहीं राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 4th जनरेशन की राजनीति करने वाले यात्रा करने चले हैं। 4 दिन की यात्रा के बाद इटली या स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो ही सम्राट चौधरी ने राजद प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उनको उन्होंने रावण का प्रतीक बताया। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 2G वाले लोग जो रावण बने हुए हैं, वही पिछड़ों के विरोधी भी है, वही अति पिछड़ों के भी विरोधी है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के ऊपर कड़ा हमला बोला है और वो काफी समय से सम्राट चौधरी लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमलावर रहे हैं और हमेशा से वो बोलते हैं कि जो जिसने घोटाला किया है उनको आड़े हाथ लिया जाएगा। ऐसे में उनको माना जा रहा है कि वो योगी मॉडल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी बार बार अपनी बातों में, और वो इसके पहले भी उन्होंने मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई की। ऐसे में ये लग रहा है कि PM मोदी के जो उन्होंने उनके सानिध्य में रह के और योगी की तरह वो काम करने का जज्बा लेकर बिहार के मैदान में उतरे हैं। सम्राट चौधरी जिस तरीके से वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और खुल के वो 2G, 3G और 4G स्कैम को लेकर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से हमलावर है, ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।